इसराइल ईरान की लड़ाई ने न केवल दुनिया भर के निवेशकों को सहमा दिया है, वहीं भारतीय शेयर बाजार जो अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे, ऊपरी स्तर से 1000 पॉइंट लुढ़क गए। एक सप्ताह पहले जो निफ्टी 22,800 के आसपास था, इस लड़ाई की वजह से 21,800 के पास पहुंच गया है। अब लड़ाई तो लड़ाई होती है, कभी एक पक्ष वार करता है तो कभी दूसरा पलटवार। ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर इस लड़ाई का क्या असर होगा, और अगर आपको भी अगर भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाना है तो पैसा लगाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको विस्तार से आसान भाषा में इस लड़ाई के इम्पैक्ट को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले ईरान इसराइल लड़ाई की वजह से बिजनेस प्रभावित होगा। भारत के दोनों ही देशों के कारोबारी संबंध हैं। ईरान और इसराइल के साथ पिछले साल भारत ने करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वहीं ईरान की बात की जाए तो ईरान के साथ भारत ने 20,800 करोड़ का कारोबार किया है। भारत मुख्यतः ईरान को चाय, कॉफ़ी, बासमती चावल और चीनी का निर्यात करता है। भारत से ईरान को पिछले साल 15,300 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था। वहीं ईरान से भारत ने पेट्रोलियम, कोक, मेवे और कुछ अन्य चीज़ें आयात की। इनका मूल्य अगर देखा जाए तो 5,500 करोड़ रुपए बैठता है। बता दें, भारत चाबहार पोर्ट और इससे लगे चाबहार स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन में भी साझेदार है। साल 2023 में भारत का इसराइल के साथ 89,000 करोड़ रुपए का कारोबार रहा था। वहीं भारत ने ईरान को 70,000 करोड़ रुपए का माल और सेवा यानी गुड्स एंड सर्विसेज का निर्यात किया था। अगला सबसे बड़ा खतरा जो है वो है सप्लाई चेन प्रभावित होने का। ईरान इसराइल युद्ध से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता अगर प्रभावित होता है तो भारत को काफ़ी नुकसान होगा। CNBC ने अपनी एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से ये बातें कही हैं। कच्चे तेल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक अहम रूट है। चूंकि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल आयात करता है, ऐसे में कच्चे तेल के दाम में तेज़ी से यहाँ वित्तीय घाटे पर बोझ बढ़ने के साथ ही देश में महंगाई का संकट खड़ा हो सकता है। कच्चे तेल की बात हो रही है तो तेल के खेल को आसान भाषा में समझिए। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। पिछले हफ्ते ईरान द्वारा संदिग्ध इजरायली लड़ाकू विमान के हमले का जवाब देने की चिंता पर तेल की कीमतें 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अब वीकेंड पर आशंकाएं सच में बदल जाने के बाद विश्लेषकों को ये डर है कि कच्चे तेल की कीमतें जो शुक्रवार को $90 प्रति बैरल के आसपास पहुँच गई थी, आने वाले कुछ दिनों में $100 प्रति बैरल के लेवल को पार न कर जाए। अब महंगाई की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कच्चे तेल की कीमतों में आग लगेगी, बल्कि हाल के दिनों में सोना, चांदी, तांबा आदि जैसे कई दूसरी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका और बढ़ गई। ऐसा हुआ तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को कम नहीं कर पाएंगे, वे ब्याज दर बढ़ा भी सकते हैं। इससे कंपनियों और ग्राहकों के लिए उधार लेना यानी लोन लेना महंगा हो जाएगा। इससे कंपनियों का मुनाफा घटेगा और शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। इस लड़ाई की वजह से विदेशी संस्थागत निवेशक भी लगातार शेयर को बेच रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल 4,260 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल कैश मार्केट में 2,285 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। अप्रैल महीने की बात की जाए तो अभी तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कुल 22,358 करोड़ रुपए तो DIIs ने 21,321 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। अब जाते जाते आपके फायदे की बात, ऐसे में क्या करें निवेशक, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि निवेशक जोखिम भरे स्मॉल कैप्स और मिड कैप में अपने निवेश को कम कर लें और क्वालिटी लार्ज कैप्स की ओर अपना रुख रखें। विश्लेषकों को लगता है कि बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ते बॉन्ड यील्ड के कारण भारत से और अधिक FPI आउटफ्लो की आशंका है, यानी यहाँ से पैसा बाहर जा सकता है। तो अगर आपको भी शेयर बाजार में निवेश करना है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, तभी ऐसा कदम उठाएं। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।